हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक और न्यू स्टोरी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है कंजूस ब्राह्मण। एक नगर में कोई कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भिक्षा से प्राप्त सत्तुओं में से थोड़े से खाकर शेष से एक घड़ा भर लिया था। उस घड़े को उसने रस्सी से बांधकर खुट्टी पर लटका दिया और उसके नीचे पास ही खटिया डालकर उस पर लेटे लेटे विचित्र सपने लेने लगा और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा। उसने सोचा कि जब देश में अकाल पड़ेगा तो इन सत्तुओं का मूल्य 200 रुपये हो जाएगा। उन 100 रुपये में से 2 बकरियां लूंगा। 6 महीने उन पर उन 2 बकरियों से कई बकरियां बन जाएगी। उन्हें बेचकर एक गाय लूंगा। गौं के बाद भैंसे लूँगा और फिर घोड़े ले लूँगा। घोड़ों को महंगे दामों में बेचकर मेरे पास बहुत सा सोना हो जाएगा। सोना बेचकर मैं बहुत बड़ा घर बनाऊँगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई भी ब्राह्मण अपनी सुरूपवती कन्या का विवाह मुझसे करा देगा। वह मेरी पत्नी बनेगी। उससे जो पुत्र होगा उसका नाम मैं सोम शर्मा रखूँगा। जब वह घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तो मैं पुस्तक लेकर घुटशाला के पीछे की दीवार पर बैठा हुआ उसकी बाल लीलाएं देखूंगा। उसके बाद सोम शर्मा मुझे देखकर माँ की गोद से उतरेगा और मेरी ओर आएगा तो मैं उसकी माँ को क्रोध से कहूँगा, अपने बच्चे को संभाल। वह गृह कार्य में व्यग्र होगी, इसीलिए मेरा वचन ना सुन सकेगी। तब मैं उठकर उसे पैर की ठोकर से मारूंगा। यह सोचते ही उसका पैर ठोकर मारने के लिए ऊपर उठा। वह ठोकर सत्तू भरे घड़े को लगी। घड़ा चकनाचूर हो गया। कंजूस ब्राह्मण के स्वप्न भी साथ ही चकनाचूर हो गया। यदि यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पे आप डेली बने रहें।